जैन दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस का प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर के सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या है, मैट्रिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करें, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 1 करें, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। इसका ऑप्शन है, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्राकृतिक केंद्र तथा प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है, और त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होता है। वो कह रहा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण को क्या है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, पीछे गाड़ी देखने के लिए। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार लेंस का उपयोग करें, तो उत्तल लेंस का। आपकी लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है, तो पश्चमावी मांसपेशियां। नेक्स्ट, समान व्यक्ति के व्यस्त के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो आपको नजर दिखाई पड़ेगा। स्पष्ट देखने के लिए नियंत्रण दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, बैंगनी का, सबसे अधिक होता है लाल का। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, सी। अभिभान्तर अपने मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल के बराबर होता है, तो 1.6×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, अगले सेकेंड नंबर इसका आएगा। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ाता है, तो श्रेणी क्रम में। एक किलोवाट घंटा का वैल्यू क्या होता है, 3.6×10⁻⁶ जूल। ये देखिए दोनों का इसका सेकेंड नंबर। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अम्ल के जलीय विलयन उत्पन्न होता क्या है, तो H+ आयन उत्पन्न होता है। करें, ABCD का pH मान 2, 4, 7, 14 या कौन सा पदार्थ 6 रखें, यानी कि अम्ल का मान 7 से कम होता है तो 2 और 4 है, अम्ल 7 पूरा पूरा उदासीन हो गया, और 7 से अधिक होता है क्षार की, तो 14 नंबर, मतलब ये डी नंबर आएगा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का। नेक्स्ट, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3×10H2O, ये NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो एम्लिन पाया जाता है। कौन सा धातु ऐसी अवस्था में पाई जाती है, तो कार्बन। और सिल्कर क्या है, धातु है। तांबा और टिन के मिश्रण को कहते हैं, कहाँ सा बनता है इससे। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। निम्न में से कौन एल्केन है, C2H6। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 3 को। एल्डिहाइड का प्रयोगात्मक समूह क्या है, CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर प्रकाश संश्लेषण और निम्नांकित तो किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। मनुष्य में वीर्य का एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, वीर्य मन किडनी, किडनी कार्य क्या है, तो उत्सर्जन से, मतलब पेशाब को छानने का कार्य होता है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। थायरोक्सिन के श्रावण में कौन सा तत्व आवश्यक, आयोडीन। आयोडीन जो है घेंगा रोग से बचाता है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या गले में उत्पन्न होता है। एक नर हार्मोन, मतलब पुरुष हार्मोन का नाम इसमें क्या है, टेस्ट्रोजन, ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है, तो मुकुलन विधि होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भ्रूण को माँ से गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। एड्स रोग किसके कारण फैलता है, तो विषाणु से।
अपूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, जो फल बनता है। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में टी को क्या, टी स्मॉल टी मतलब होता है छोटा या बौनापन, और या तो फिर अप्रभावी लक्षण, मतलब दो और तीन इसका दोनों आएगा। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत किसने खोज किया, तो चार्ल्स डार्विन ने। तीन नंबर, एक पुरुष में कौन से लिंग उत्पन्न होते हैं, पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है और महिला में एक्स एक्स वाई पाया जाता है। पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स, तो पुरुष में एक्स वाई, दो नंबर सही होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जिसका नया निर्माण संभव है, जैव गैस का नहीं है, कोयला का नहीं, पेट्रोल का, तो लकड़ी इसमें का। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तर के प्रश्न में, देखिए 5 प्रश्न उत्तर दर्शन। नंबर एक में अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है कि गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, और दूसरा उपयोग अवतल दर्पण उपयोग क्या, दाढ़ी बनाने में, मतलब क्या सैलून में शेविंग दर्पण में किया जाता है। अब एक उदासनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है ताकि क्या उसके बंधन को आकर्षित, बंधन को तोड़ने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या अचानक घटित होती है और टहलने की क्रिया अचानक घटित नहीं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या मेरुरज्जू द्वारा नियंत्रित होती है और टहलने की क्रिया क्या मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अब एक ईंधन कोई दो लक्षण लिखे जो गुणवत्ता को निर्धारण करते हैं, मतलब ईंधन का मतलब जो जलने के बाद ऊष्मा अधिक मात्रा में देता है और जो आसानी से उपलब्ध होता है, वो क्या है हमारे ईंधन का बढ़िया ईंधन का लक्षण या पहचान होता है, तो वायु प्रदूषण कम करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रसवित प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किरण कहते हैं, मतलब प्रकाश के 7 रंगों में, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, इसको फोटो छापना हुआ छाप लेंगे। करें खनिज एवं एस्क मंत्र, खनिज क्या है, जमीन के अंदर से भूपर पट्टी के अंदर से जो आवश्यक पदार्थ निकलते हैं उसको खनिज बोला जाता है। एस्क कच्चा चीज होता है, कच्चा पदार्थ होता है। अब है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म क्या मत है, तो विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जीवाश्म के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि इस जीव का या फिर जंतु का, इस पदार्थ का जीवन काल क्या है और इसका औसतन आयु क्या है, कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये सारी जानकारी क्या है कि हमको विकासीय संबंध को स्थापित करने में जीवाश्म अपना भूमिका को बताता है। सौर सेल क्या है, सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं दो तत्वों नाम, सौर सेल का मतलब क्या है जिसको हम लोग सौर प्लेट कहते हैं, सौर सेल जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला जो सेल होता है सौर सेल कहलाता है। और इसमें लगता क्या क्या है, तो तांबा लगता है, एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। सौर सेल में निर्माण में किन्हीं दो तत्वों का नाम लिखें, तांबा और एल्युमिनियम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम आएंगे ओम का नियम क्या है, करें ओम का नियम और लिखे सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, इसको आपको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ओम का नियम का आपको परिभाषा लिख देना है, इसको प्रूव कर देना है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े कि संयोजन मिला कुल कितना हो, 11 ओम, यानी कि श्रेणी क्रम में जिसको हम सीधा सीधे जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए 2 + 3 + 6, 2 + 3 6 + 5 11 ओम हो जाएगा, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने से इसका 11 ओम निकलेगा और 1 ओम इसका निकलेगा समांतर क्रम में। ठीक है, अब इस तरह से करें हम किस तरह से जोड़ें कि इसका मान 4 ओम हो जाए। नेक्स्ट है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, वैसे लक्षण जो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं वो वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विकल्पी लक्षण स्वतंत्र वंशानुगत कहलाते हैं, मतलब मेंडल ने क्या है मटर के पौधों के द्वारा जानने का प्रयास किया कि उसमें क्या एक छोटा पौधा और बड़ा पौधा कॉम्बिनेशन से बीज तैयार किया, उसका पौधा यदि निकला बड़ा निकल गया तो लक्षण प्रभावी कहलाता है, पौधा यदि नाटा रह गया तो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। या तो ऐसे समझें, देखिए माँ का ग्रुप यदि ए है और पापा ग्रुप इसका बी है, और इसका बेटा का जो क्या है बेटा का ब्लड ग्रुप ये आ गया, मतलब इसका प्रभावी लक्षण माँ के साथ है, बाप के साथ अप्रभावी लक्षण इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या है या किस प्रकार प्रभाव होता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या है, कोई प्रजाति जो है जिनका जीवन काल घटते जा रहा है, जिनकी आयु घटते जा रही है, जो अस्तित्व में नजर नहीं आ रहे हैं उसका है, उसके लिए मतलब संघर्ष की स्थिति है। और इस प्रकार आरंभ क्यों हुआ, तो प्रकृति का मतलब दुरुपयोग करके कारण,
अब प्रकृति में नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रकृति में क्या नई जाति उत्पत्ति क्या है? जनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा संपन्न होता है। धन्यवाद।